मेरा दीदी का पति है, और सेकेंड बाइक के लेने के बाद हम लोग बहुत आंध्र में ये कंट्रोल किए, ये थोड़ा चर्चा हुआ है। तो अभी अचानक से आपसे ये शो कोज नोटिस आया, मैं मानता है आप ये आपका शो कोज नोटिस, आप कोई भी कंप्लेन देने से आपका शो कोज नोटिस देने का इजाजत है। और अभी हम उसको कुछ हम डिस्टर्ब नहीं है और कुछ भी ये नहीं है, वो हम समझ नहीं आए अभी हमको पिछले कंप्लेन दिया वो चीज़ को, हम अभी आपका कोर्ट में हम जो लिखना ये है ये आपका बिल्डिंग है, हाँ ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, हाँ बिना डिस्टेंस स्पेस मेंटेन करके आपने बिल्डिंग क्यों बनाया, आपका ये कंप्लेन ये है। हाँ हाँ कंप्लेन वाला का कुछ ना कुछ तो करके ये खींचेगा उसको। अब मेरा हिसाब से ये केस जो डिस्टेंस गवर्नमेंट का इस बार गवर्नमेंट मेंटेन हुई है 2 मीटर में हम लोग ये डिस्टेंस को मेंटेन किया नहीं, हाँ मेंटेन करने के लिए एक बार ये 2019 में ये सेक्रेटरी से ऑर्डर आया था, हाँ 2 मीटर डिस्टेंस में मिला दिया था हम कागज मेरा घर में तो हम कभी कहीं देखा था। मैं ऑर्डर बना देता हूँ, अगर सरकार का 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए है तो आपको छोड़ देगा, अगर नहीं है तो हम तोड़ देगा, राजी है 2 मीटर डिस्टेंस है हम राजी है या नहीं, हाँ या नहीं कहानी वही होगा, हाँ आप देख लीजिए उसमें आपका 4 मीटर डिस्टेंस था क्या, ये हमें ये हम जो एक बार हम पदार्थ जैसे लगा था हमारा माइंड में जो नहीं सर, ये जो बिल्डिंग जो अभी पूरा मालूम है ना कहानी, जो अभी पूरा कहानी चलता है ये बिल्डिंग हम 4-5 हजार एरेस्ट आप किया है, आप करने का बाद हमको सीजन कोर्ट में भेजा है ना, तो वहाँ से हम केस लड़ लड़के कितना केस हम लड़ा है, लड़ने का बाद तो हमको गवर्नमेंट जो डिस्चार्ज दिया है ना जो सीजन कोर्ट से हमको डिसेंट ये आपका जूनियर ने, तो ये सीजन का जो ऑर्डर है ये वहाँ का डिस्चार्ज का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने यहाँ में तो आप इसको पढ़िए 19 से पढ़िए, हमने ये ऑर्डर फर्स्ट टाइम लिखा है 19 से किसी से लिखा है decision the accused Sri Kajibagno has not committed to offence under Section 350 Act na इसमें उसका ये continual and view of the discussion made above is held it is held at the prosecution has failed to prove the guilty of the accused by beyond reasonable
तो इसमें नीचे में जो लिखा है इन व्यू ऑफ द डिस्कशन विद अबव द डिस्कशन रिच एंड इन द foregoing points of the determination of the equitable payable is acquitted from discharge due to lack of evidence. The bail bond of the on behalf of the accused person has discharged from the liability. In the case is disposed of on contest without cause. आपका शिकायत है ना, हम पर देता है ये कंप्लेन अगेंस्ट श्री तपन तालोक फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री ताई बगन फॉर इलीगल लैंड एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर नंबर 11 लोकेटेड एच सी सेक्टर नियर चीफ सेक्रेटरी डोमरो गेट नंबर 2 ईटानगर. अभी आया है, आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप इधर आइए, आपका शिकायत को बताए. मेरा शिकायत है कि जो गवर्नमेंट मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है और वो गवर्नमेंट का क्वार्टर तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो मेरा ऑफिसर का ड्यूटी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाना, सेफ करना, और मेरा काम है. मेरा उनसे कोई तापम तालों से या इससे किसे मेरा दुश्मन नहीं है, इसलिए हमको इंडिविजुअल भी नहीं लेना, हम कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो कंप्लेन दिया है. क्वार्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट क्वार्टर और प्राइवेट गवर्नमेंट बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री नहीं, और क्वार्टर का हाफ परसेंट को ऊपर से पूरा कवर हो हाफ परसेंट को हाफ परसेंट क्वार्टर उसको आरसीसी से पूरा ये हो गया कवर हो गया, और वहाँ से वो लोग का गोर दुलाने से हम लोग बाहर में करा करने से पानी हम लोग का ऊपर नहीं माता में और जारू मारने से भी और वहाँ से जितना वेस्ट आइटम से हगी से क्या है तीना ऊपर और गवर्नमेंट का एक तो ऑर्डर है मैंने देखा है प्राइवेट गोर जो है गवर्नमेंट क्वार्टर से 4 मीटर दूर हो रहे ये 1 मीटर भी गैप नहीं है और उल्टा आधा बिल्डिंग को कवर कर और हम तो वो तो मेरा नहीं है गवर्नमेंट का काल को ऐसा क्वार्टर ये ऑफिसर कॉलोनी है तो ऑफिसर हम तो कुछ समय के लिए नेक्स्ट ऑफिसर का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हमने ये कंप्लेन लॉज किया आपका सामने. मेरा कोई इससे किसी से मेरा दुश्मन नहीं है तो हम पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए हम ये किया कंप्लेन दिया है तो इसके लिए अभी मेरा काम है आप अथॉरिटी को कंप्लेन देना और अथॉरिटी क्या एक्शन लेता है नहीं लेता है वो आपका बात है. आई डू नॉट नो एनीथिंग व्हाट इज द व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसी हम मालूम नहीं है. एक्शन का हमारा ड्यूटी है हम कंप्लेन करना, अभी गवर्नमेंट क्या करता है नहीं करना, डिसमेंटल करना नहीं करना, इट इज अप टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी. वही मेरा आप बैठिए तो आपको कुछ जवाब देना है. एक आपने बोला 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 आप 4 मीटर का डिस्टेंस, 3 आपने जो सीजम कोर्ट में आपको जो अरेस्ट किया था उसका बारे में आपका जो केस डिस्पोज हुआ दैट इज केस रिलेटेड टू पीडीपी एक्ट क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल ऑफेंस उसका ऊपर में केस था. ये है सिविल ऑफेंस और ये है आपका इंक्रोचमेंट का केस है. तो ये दोनों जैसे आप जब कपड़ा पकता है आप मूछी का पास जाता है ना टेलर का पास जाता है, तो आप कपड़ा पकने से मूछी का पास जाने से मूछी बोलेगा आप टेलर का पास देंगे, जूता अगर पत्ता है तो इसलिए आपका जो है वो क्रिमिनल केस है, ये सिविल केस है. और आपका जो बोलना है उन्होंने बोल दिया, आपका लास्ट चांस है, आपको क्या अपना बचाव के लिए बोलना है आप बोलिए. हम जो मतलब ये इतना साल से हम लोग बेटा मेरा 2015 से घर कंप्लीट हो रहा है, उसी के बाद
ये 2017 को कोर्ट ने हमें दिलाया है, अभी हमको उल्टा हमको कंप्लेन दे रहा है। इंटेंशनली क्या है हम मालूम नहीं है, लेकिन उसका कहने का मतलब आप लोग उसको ये सच्ची समझता है, वो वही सोच रहे आप लोग ठीक है, मैंने जो आइडेंटिफाई करना कर लीजिए ना, हम वहाँ आगे उसका बिल्डिंग में देख देते हैं ना, उसको हम लोग पानी फेंक देखते हैं माता में, ये दैट इज रॉन्ग। और वो जो सोचते हैं ठीक है, अब कार्रवाई तो आप लोग जो जो कंप्लेंट दिया तो कार्रवाई तो करना ही वो आपका ऊपर में है ना, वो हम डिनाइ नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करना आपका ऊपर में है, लेकिन इंडिविजुअली क्या है मैम उसको पूछेगा बात में ना, वो चीज़ को ना पूछूंगा एलिगेशन हाँ जस्टिफाई एलिगेशन, वो एलिगेशन जो हमको डाला एलिगेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको अब ये लैंड डिपार्टमेंट आके मेजरमेंट किया, ये लैंड डिपार्टमेंट आके मेजरमेंट करके एलोनमेंट इसके मैप लिया, घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, ऑफिसर आके बनाया, उसके बाद घर में बैठते बैठ के उल्टा दिलाने के बाद बैठ के उल्टा हमको प्रेशर देने से तो वो तो रुकेंगे, वो टेंशन नहीं उसको हम बात करेगा, लेकिन आपका कार्रवाई जो कार्रवाई गवर्नमेंट का जो कार्रवाई है ना आप कर लीजिए, वो जो उसको आइडेंटिफाई करना है हाँ, वो ये गलत काम क्यों करेगा, आप लोग कार्रवाई कीजिए और हम दोनों का बात जो अलग से बात कर लेगा, वो हम आप देखिए आपका अंदर में हम कई पीडीपी एक्ट में उसको धमकी दे रहे हैं क्या, नहीं धमकी नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये हम दोनों का बात है ना, वो हमको कंप्लेन दिया है, अभी हम यहां से आपको जेल में भेज देने से आप धमकी दे रहे हैं, आप भेज दे रहे हैं, नहीं नहीं धमकी नहीं दे रहा, धमकी नहीं दे रहा, मतलब ऐसा जो सचमुच का जो अपना आदमी सोच के काम करना वो ऐसे हमको ऐसे ना कोई ओपिनियन हमको कंप्लेन कोई दिया ही नहीं, आप उसको यहाँ धमकी आप दे रहे हैं, हम पूरा यहाँ में पूरा लाइव में हम चलाते हैं, आपको पूरा देख रहा है, आप जो बात कर रहे हैं वो धमकी जैसे है, हम दोनों देख लेगा पहुँचा है, एक नंबर सरकार जो करना है करो वो करे, सरकार भी मदद काम करे, आपका ड्यूटी है वो जो एलिगेशन लगा है ना आप उसको साबित करो कि वो गलत है, उन्होंने कहा है कि आपका जो बिल्डिंग है उसका गवर्नमेंट घर का ऊपर हो गया, ठीक है डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया बोला, तो आपने 2 मीटर मिले बोला, फिर आपने बोला 4 मीटर बोला, तो अभी आप साबित करो कि 4 मीटर है क्या, 2 मीटर है क्या, तो 4 मीटर नहीं है तो 2 मीटर नहीं है तो 1 मीटर भी नहीं है उनका करना है, तो आप अगर बोलेगा कि नहीं हम ऐसे जैसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, मैंने पूरा डिस्टेंस मेंटेन किया है उसका, आपका बिल्डिंग से जो भी सामान गिरता है आपका कंपाउंड का अंदर आपका घर का एरिया का अंदर में गिरता है, उसका क्वार्टर में नहीं गिरता है, वो बोलिए ना, ऐसे बात बोलिए, ऐसे बात मत बोलो, हम दोनों देख लेगा, देखो वो बात सही नहीं है, वो धमकी का बात होता है, देखो यहाँ में हम लोग दादागिरी करना और हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहना वो मिनिम होता है, आप एक सिविलाइज सोसाइटी एक पूरा टाउन सिटी में इतना साल से रहता है वहाँ, आप यहाँ में चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा यहाँ रहता है इस सोसाइटी में आप रहता है, तो अभी तक आप सीख जाना चाहिए कि हम एक अच्छा नागरिक हिसाब से कैसे हम यहाँ पर जीना है, गलत भी करेगा धमकी भी देगा, सरकार जो करना है करो बोलेगा, ये सब चीज़ नहीं होता है, आप आया है मैं बहुत खुश है, हम समझ लिया आप आया है, तो आपको मौका दिया ना, ये बहुत बड़ा बात है कि आप अपना गलत को सही करने के लिए, तो वो करो ना, अब अभी सिर्फ वो बात बताने ज़्यादा बात नहीं है, उन्होंने जो बोला है ये आपका बिल्डिंग का छत है, उनका कहना है कि आपका छत ऐसे है यहाँ से जो है इधर गिर रहा है बोला है, ये तो मिशंस में हम आपको 133 CRPC में भी आपको एक्शन लेना, वो हम नहीं कर रहा है, आप इंक्रोचमेंट का कंप्लेन किया बोल के हम इंक्रोचमेंट का ले रहा है, देखो ये छत जो है आपको ये यहाँ ये ऐसे नीचे आने से ऐसे होके यहाँ में 4 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना है, वो है कि नहीं वो साबित करने से आप बोल देगा कि नहीं है हमारा दूर है, बोलने से अभी उधर बनाएगा कि दूर है बोल रहा है, हम स्पोर्ट में जाएगा, अगर आपका बात गलत हो गया तो हम तोड़ देगा सीधा, तो आप कुछ बात को बोलो अच्छा से बोलो कहीं भी बोलो अच्छा से, बहुत परेशान हो गया था नहीं मैंने
शांति वेतन आपको प्रेशन देने से सर आपका फ्री पे कोई देगा तो आप तो प्रेशन लगाना हम लोग तो सिविलाइज के आदमी है, ऐसे बात नहीं है हम यहाँ में तन में बैठे हम कहीं ना किसी का साथ में किसी को हम ऐसे तो नहीं है हम तो इतना तने हम बैठ के मैं अभी जो प्रेशर हो गया ना आदमी को मतलब आमने शरीर में बात करने से मतलब ऐसे करने से ना आप कम से कम अपना आदमी थोड़ा सा तो व्यू तो लेना चाहिए था ना वो व्यू नहीं लेके हमको इतना तक हमको कर देता है सब कुछ कर अच्छा घर में इतना तक ये कर दिया उसके बाद हमको प्रेशर दिया इसलिए मतलब वो वही गुस्सा में ठीक सॉरी उसको ले ये एक्सक्यूज मी और ये उसके लिए हम ये सॉरी मांगता है और हम दोनों का बाहर वो हम अच्छा आदमी तो पढ़े लिखते को ऊपर में तो और ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है ना इसलिए जब आप तो दीजिए ना चार मीटर रहना दो मीटर रहना एक मीटर रहना जीरो मीटर है वो तो बता दीजिए मेरे हिसाब से तो शरीर दो मीटर ऐसा होगा ये जो डिस्टेंस लो ना वो हम एग्जैक्टली बता रहे हैं शरीर दो मीटर ऐसे कुछ हो रहा है ये एलोमेंट कॉपी नहीं है वो ये हम ये याद है एलोमेंट में कितना दूर में रखा है नहीं एलोमेंट में कितना दूरी में रखा है आपको याद है कितना मीटर में आपको बनाने के लिए दिया है फोर मीटर तो आपको ये एक मीटर आधा तोड़ दीजिए चलो ठीक है और कुछ देना है हम तोड़ने के लिए ऑर्डर बना दे रहे हैं नहीं वो ऐसा है इन्होंने लाइफ में देखो हमको तो अभी टेक्निक दिया है सब का सामने नहीं ना सॉरी बोल दिया नहीं तो ऐसा है कि हमको मीडिएटर भी भेजा है ये कॉम्प्रोमाइज विथड्रॉ करने के लिए मीडिएटर भी भेजा है हम नहीं मान क्योंकि हम तो हम नेक्स्ट ऑफिसर देते हैं ना उसके लिए फ्यूचर के लिए सब के लिए हम ये सोचते थे मेरा कोई इसमें ये नहीं आप इंडिविजुअल आदमी हैं तो अभी हाँ सॉरी बोल दिया तो इन्होंने बोला कि एक मीटर दो मीटर का ये किया है तो जमीन तो अभी आपका सामने में है ऑनरेबल कोर्ट का सामने में जमीन है आप लोग जाके वेरीफाई कीजिए कितना इंक्रोचमेंट हुआ या नहीं हुआ ना आप लोग स्पॉट में जाके वेरीफाई कीजिए और उसका हिसाब से आप लोग का क्या हिसाब से करना है मेरा ड्यूटी है कंप्लेंट करना मैं कर दिया पहले भी बोल दिया ना तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट को मेरा सबमिट करता है कि आप लोग वेरीफाई करके अगर वो क्या करना है नहीं करना है उसको वेरीफाई स्पोर्ट्स में वेरीफाई करने से ठीक है और क्योंकि हम भी झूठ बोलते हैं और ये झूठ बोल रहा है कि ये दो मीटर डिस्टेंस गैप क्या होता है एक दो मीटर तो ये एक इंची भी गैप नहीं उल्टा आधा बिल्डिंग को कवर कर लिया और ऊपर से नीचे से तो है ही ऊपर से भी तो हम उसको भी बोला है दो क्वार्टर का गवर्नमेंट क्वार्टर और प्राइवेट घर में तो बीच में बाउंड्री भी होना चाहिए वाल होना चाहिए वाल ही नहीं है उल्टा वो पूरा स्ट्रक्चर किया बिल्डिंग का तो इसलिए ये तो हम इसको इलीगल समझते हैं तो इसलिए हम कोर्ट को सबमिट किया कि ये इसको थोड़ा आप देखिए बोलते हैं प्लीज अप टू यू क्या करना नहीं करना ना लेकिन और गैप नहीं किया वो झूठ बोल रहा है और मैं तो कभी भी ये बोइंग अच्छा चीज़ को और ये इसका बिल्डिंग भी नहीं है इस केयर टेकर ओनली बिल्डिंग मालिक तो तपन तालो है ये केयर टेकर है तो ये अननेसेसरी उसको प्रोटेक्शन दे नो अगर मैं कुछ भी बोलो हम भी जवाब देने के लिए हर किस्म में जवाब देने के लिए हम भी रेडी है हम तो एक सीनियर सिटीजन है छोटा भाई को वो सॉरी बोल दिया है आगे नहीं बढ़ाना है अभी ऐसे लिखो ये नमो लिखो थर्ड बोर्डर पार्टीज थर्ड बोर्डर पार्टीज नेक्स्ट पैराग्राफ द रेस्पोंडिंग पार्टी is directed to remove the encroached portion
encroach portion of the building, private building. Building at the distance of 4 meters from the government premises. Within 2 weeks time, दो सप्ताह के अंदर में आप 4 मीटर का डिस्टेंस मेजरमेंट करके तोड़ दो. फेलिंग विच दिस ऑफिस विल डिमोलिश द डिमोलिश द सेट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर. A portion of the structure which is encroachment in terms of public premises in 2003. Okay, ja sakta hai. Sameer aa gaya. ले लिया ना. अच्छा ठीक है. तो हम suffering from cancer. Because of that reason, he needed some kind of money.
because of that reason he sold the land and property in favor of the present respondent Shri Thakur Paryo. Since 9-10-2016 until date, except when a complaint was filed in the year 2000, in the year 2019, I'll take your lordship, the complaint filed by Srimati Jalu Goni Punya, which I have enclosed also. The complaint was filed before the Deputy Commissioner, Itanagar Capital Complex. It is at page 80. Complaint is there. That was filed before the Deputy Commissioner alleging that there is a trespass and illegal collection of rent from the property of one unknown person regarding it. And the body of the complaint, their complaint was on the basis of one gift deed executed, one sale deed was executed, and subsequently they transferred the land in their favor, that is in favor of Shrimati Jalu Goni Punya, in a most fraudulent manner. Now, how I can substantiate that the property is presently, so the owner of the present property is Mr. Thakur Paryo, I can substantiate till date. As because the statement submitted by one Mr. Hage Chata, who has clearly admitted the fact that he has sold the land to Shri Thakur Paryo in the year 2016 itself, which is not at all disputed. Kindly, a few paragraphs of Hage Chada's statement submitted before his other report. On the first land itself, he said, I sold it to Thakur Paryo on 9-10-2016 and received payment of rupees 1.5 crore in check as being full cost of the property and money received given to him accordingly. Handed over and given physical possession of the property without any encumbrances. Now that the problem arises, he also states that there was many attempts made to transfer the property in favor of Mr. Thakur Paryo, but because of he being a leader, at that very point of time, I think he was CLP leader also. Because of his busy schedule, the property was not transferred in his favor, in his name. That was pending to transfer. What happened in the meantime, as per the statement of Hage Chada, he said, Marjo Tato has approached Mr. Hage Chada for obtaining duplicate passbook. As because the original passbook, which was handed over to us, we had lost long time back. Now the lost passport, pertaining to lost passport, Mr. Paryo has already informed to his wife that we obtained one duplicate passport in his name. But fortunately, as per statement here in the present court also, as per statement of Takam Yama, she said the entire signature, whatever has been taken as a witnesses, was fraudulent. It was not at all for transfer of the property, nor for the gift deed, or not for a sale deed also. As because she was never authorized by Mr. Thakur Paryo. The statement is clearly stated. So there was no consent from the Thakur Paryo. There was no authorization, there was no power of attorney, nor even oral consent was given either to Jalu Punya or to Marjo Tato
or to Hagechan. Now Hagechan says on the basis of the basis of Selby executed wearing one of the victims wife of Takamya. Now the thing is that whether a witness has a power to sell the property to someone other person, whereas owner is someone else. Owner is not at all disputed that I am the owner. Even Age Chada has also not disputed. Even Marto Dado is also not disputing. None of them has disputed. What happened when a complaint was filed by Srimati Galuk Tavya, then the cause of action starts. In her complaint, she said about the illegal collection of rent. An illegal collection of rent from property of one unknown person. Now here, unknown person, who is unknown person? Fine, someone is collecting rent. It was not an illegal collection of rent. The rent was collected by me on my behalf, one of my caretakers, Shintar Tan. Legally, as because the property was purchased from Shri Age Chada, which is admitted fact. And with regard to one important factor here on earth, Shri Age Chada and Matyo Tado, their statement stands on a single footing that entire consideration amount from Yaluk Ronia Konya has been received by Matyo Tado. If it presumed or it is believed that the gift deed was executed by Age Chada, sale deed has executed Age Chada, but the consideration amount of rupees 1.60 lakh has been received by Marko Tharu. But in the sale deed, it is specifically mentioned that the amount has been received by Age Chada. But later on, now the documentation is something different, the statement is different. Lordship, whether I am trying to make Lordship understand or not, then, because here, suppose a sale deed is executed, why a third person will receive an amount? There was some fraudulent act in between Yaluk Konya Ronya, in between Marto Tado and Marto Yaluk. All these three persons has played a very important role in hatching a criminal conspiracy to get the land transferred in their name, in the name of Yaluk Ronya. Now, taking advantage of behind my back, the entire exercise has been done behind the back of the owner of the property, which is also not disputed. When I was busy during the last assembly election, basically, your honor, title, ownership, in pertaining to all these things, your honor, I don't think you will go, your honor may go deep into this case, as because the jurisdiction of this honorable court is very limited, pertaining to only the section under section 125 CRPC. In regard to that also, I would like to come that all, as per complaint, the complaint was lodged on 23rd January 2020. Now, as per the complaint, on the basis of this complaint, the Deputy Commissioner has forwarded the entire complaint before this to the
officer in charge of police station for submission of a report. And on the basis of that report, Deputy Commissioner directed this honorable court to proceed with under section 145 CRPC. So this is under section 145 CRPC, the proceeding before this honorable court. Now 145 CRPC confines pertaining to the possession and rights. Here, since 2016, by virtue of that purchased land from one Hage Chata, it's an admitted fact, is under my peaceful till date. Except during the period of January 2019 to May 2019. During that period, although possession was in my, favor, but forcefully it is not me, rather they have forcefully collected the rent in between them this period only. So however, they have complained lost January 2020. So prior to that, it was legally under my possession. In regard to that, I can substantiate, and some of the witnesses, those who are tenant in the said building, is also before this honorable court, and this honorable court has already recorded their statement also. And their statement and my submission, I am not deviating or not disputing their statement. They have of the witnesses, sorry, the statement of witnesses also. One Tartara is the collector. Now the tenant is Tapan Bhuwal, Sanjeev Nath, Babur Bhattacharya, Chin Nora. All of them have stated that they were paying the rent to Sri Tapan Bhuwal. Except in between the period January to June, between January to June. So the possessory right, by virtue of purchased land, and since I was under peaceful possession of the said land and building, so possessory right maybe decided in my favor, as because the rent was collected by me, and except during that period, thereafter also, till date, I am collecting the rent. In support to my claim, I have submitted the entire rent, money receipt, and the witnesses are also present, that they can also be examined also, if already impeded properly. So the possessory right cannot be decided in your favor, and therefore the complaint, one important factor, Your Honor, if they have lodged a complaint of trespass, the police has never taken any criminal case regarding trespass, no case was registered. In the police report also, particularly second paragraph, first page itself, last six lines, Your Honor, when I read it entire, the police report says, with respect and humble service, this was submitted before the additional deputy commissioner. I am to inform you that as per your order mentioned above, that a complaint submitted by Mrs. Dal Gonia Konia, a resident of Polo Colony, Nahar Lagan, stating that she has one commercial building
standing at her allotted plot situated at Ventinal Eternity, which has been segregated into several rooms. And all the rooms have been let out on rent. The tenants of her building used to deposit the monthly rent in her bank account, but now she came to know that some unknown person is illegally collecting room rent from her building by claiming to be the caretaker of the building. It is also stated that one room of her building has been locked by that person without her knowledge and consent. Accordingly, OCPS Eternament directed me to do inquiry to matter why GD number so and so detected 220. During inquiry, I have visited the place of occurrence located at Bank Finale, VIP Road, Ikanagar, and examined the below noted tenants available on the spot with one Sri Tara Tar Tara. During the examination, Sri Tar Tara told that he is the caretaker of the building and collecting room rent since October 2016. These are the report of the police. Since October 2016. On behalf of Sri Takampalyo, meaning that by I am the owner of the building. On behalf of Takampalyo, from the said building, later on, the month of July 2019, he was told by Sri Takampalyo and his wife that they should collect the room rent from the above mentioned building. And again, he started collecting room rent. When I examined the tenants, they told that they used to pay the room rent of this. This is important, Your Honor. When I examined the tenants, they told that they used to pay the room rent of this building first to Sri Tartara, but they started paying the room rent in January, from January 2019 to June 2019, to Sri Yalu Bhunya Sama, because told that she is the new owner of the plot and building, as she had already purchased the same building. And again on July 2019, Sri Tartara came and told us that that the rent should be handed over to him, so we started paying again. I also examined Sri Hage Chada. As per his statement, the said land gifted to Sri Ronya Kone on the basis of signature of Sri Mati Takam Yama, wife of Takam Paraya, as witnesses. Witnesses has the right to gift someone else's property. Even if it is presumed that she has signed it, as a witness, not admitting, not admitting, it must be not. Whether a witness has power to transfer a sale deed, to execute a sale deed, or to become a witness, here the witness has absolutely no right to transfer the property which is in the name of some other person. So this is basically my submission. And so far as the judiciary party is concerned, that is very important factor. The owner is going to decide. So prior to complain also, the rent we have collected, the entire money receipt we have included. Regarding the ownership, the note and money receipt also I have enclosed in my write-ups at page 9 of my a certificate was issued by Hage Chada. And the duly acknowledged money receipt also is here. And the money receipt is part is concerned. The witnesses we will examine is from page 12.
details of rent collected from Sri S. Gupta, then G. Nora, then from Poonest, then from Mithilesh Cha, from Monica Studio, then from Sanjeev Nath, then from Tapan Bhavan, Kuntu Bora, these are the tenants. All together, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All together, present what they are having, and they are submitting. This is where also examined by this honorable court. So that is not disputed, because the prior to lodging the complaint, the rent was, we were collecting the rent 2 months before or 6 months before or after till late yesterday. Because of the status quo order program, I think for this month we have not collected. So yeah, this much I have to say. Thank you, Madam Council, for the comfort. Basically, we are dealing with 145 CRPC, and 145 CRPC does not allow me to discuss on the take any proceedings of ownership or title. Just I have to see what is the condition for possessory right to be given to the parties. So as per the CRPC 145, it is mentioned that, I will read section 4 of section 4, where it is mentioned that, provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcibly and wrongfully disposed within 2 months next before the date on which the report of the police officer or other information was received by the magistrate, or after that the report is order under subsection 1, he may treat the party so disposed as if the party had been possessed on the date on which of his order under subsection 1. So, here in this case, since it is a commercial building, had it been a residential building, it would be a different way to deal with the subject, but in this case, it is a commercial building. So, who was the rent, who was in the rent, and who paid the rent, and who has taken the rent, I have to see this factors and facts on me. So, I have taken the deposition of the people who are in the rent, and that is already been with both the parties. So I will request the complainant party, if they have any question or want to take cross-examination of the rent, because it is very clear that the rent from the month of May-June was taken by the Takampario as per the record both the party has submitted to this court. So the receipt which has been submitted by the complainant along with the complaint to the Deputy Commissioner, it is clearly seen that the collector is the same person who collects the rent for the company to the look. I think just can you please come and see this receipt which you have given? So I will read the complaint again once again. This complaint is signed by Yaduk Ronya Konya. Here the case already, the opposite party has already read before you. And I again want to read this again.
in the last paragraph, copies of the receipts, copy of the receipts, and are enclosed here with for ready reference. Here are some copies of receipts along with the land development copy documents I have gone through, and this receipts which you have enclosed is signed by the same collector, Mr. Tartara. So this signature is the same who has been collecting the rent since 2016 in favor of the company. So I will ask the complaining party if he has to say anything on this receipt. मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आपका जो बिल्डिंग है कमर्शियल बिल्डिंग है, तो कमर्शियल बिल्डिंग का जो किसका हाथ में था, किसका अंदर में था, किसका पोजीशन में था, उसको पता चलने के लिए जो रेंट में बैठा है, कौन रेंट में बैठा है, उन लोग ही पता पड़ेगा। आप और रेंट का बीच को ही पता करना है कि ये बिल्डिंग किसका अंदर में था। तो उसके लिए आपने जो आपने बोला कि जो रेंट को अपने पुलिस का जो रिपोर्ट है वो भी बोल रहा है कि आप ये जनवरी दिसंबर जनवरी जो मई महीना 2019 का जून मई जून महीना से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका जो रेंट होता है आपने मई तक लिया उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जून तक लिया। अभी आपका एडवोकेट लोग भी आया है, आपको भी जानना है कि जिस आप 23 जनवरी को कंप्लेंट किया 2020 का 23 जनवरी को आपको कंप्लेंट किया, तो उस कंप्लेंट देने का दो महीना आगे में किसका हाथ में ये प्रॉपर्टी था उसको राइट मिलेगा। तो उसी चीज़ में ही मेरा जुरिडिक्शन है, मालिक कौन है नहीं है वो हम नहीं बोल सकेगा। तो अगर आप एग्री करता है कि आपने 2019 जनवरी से लेके मई जून तक लिया है, आप उसको मान रहे थे? आप देखिए, आप हम कलेक्ट नहीं किया, हम आया भी नहीं है, एक भी करता है।
आप देख सकता है उन्होंने को लिख है ना तापन हुए तो आप पूछ लीजिए। और जब तार तरह का ले करते समय में लाता हूँ थोड़ा मारपीट करेगा, इतना एक ऑफिसर है ताहिर ऑफिसर का, उसको कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो उन्हें डेवलपमेंट है सब रहा तो आप बोला नहीं नहीं वो साल से पहले ए सी में डिस्टर्ब करते समय मेरे साथ को बहुत प्यार किया, वो फैमिली रिलेशन ना एक ये है एक दूसरा को रेस्पेक्ट करता है, वो ऐसे बहुत करता है। ऐसे नहीं है कि वो बैंक को लेने से अभी हम नहीं होगा, वो ऐसे नहीं लेने से हम इतना गरीब हो जाएगा, वो बात नहीं है। इंसान तो कितना जिएगा ना, 70 ईयर्स ही रहेगा, उसमें इतना तबाह क्लियर बनाने से अच्छा नहीं है, ऐसे रखे हम रखे। ये एक अभी एडवोकेट बोला है कोर्ट को निकाले के लिए, जनवरी 2019 से जून 2000 छः महीना लिया कोर्ट को लिए, आपका कंप्लेन नहीं लिखा है उसको बताना। ओ हाँ वो तो तरह तरह तो ये तापन बोल को आप अभी पूछिए उसको, हम बार बार बोल रहे हैं आप हमको पैसा दे रहा था अभी क्या तरह तरह को दे रहा है, आपको हम इन्होंने भी दिखाया है और हम जबरदस्ती नहीं करेगा, हम तो कहीं इतना ही दिन नहीं था, हम मेरा कंपनी का देगा दूसरा देगा ऐसा देगा, मैं हम बात करके तो हम ये लोग नहीं बोल के हम इतना ये लोग का भी जरूरी होता होगा करके ना इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए फिर मन तो या मन सब तो वो तो उसका ये सार प्रूफ ने किया है बोला, इसलिए हम इनका घर में ले जाओ बोला ना। तो फर्स्ट टाइम जाके भी हम पेमेंट नहीं किया, फिर सेकेंड टाइम बात किए जाके भी, तो सर आप देखिए आपका नज़र में किसका गलती है, हम तो इनोसेंट है, हम कुछ हम जमीन उधर से उधर से जमीन लेगा बोल के भी बात नहीं है, हम तो सबका घर में बेचने वाला होते हैं सिर्फ बच्चा भर के ना, सर बोलने के लिए तो होता है लेकिन हमको थोड़ा नर्वस हो रहा है ना इसमें, लेकिन आप देख लीजिए और एडवोकेट को भी पता है मेरा गलती नहीं है बोल के, आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे होने से आपको पास नहीं 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 आपका इमेज अपना इमेज बना नहीं, हम स्टेटमेंट में भी करा है ना, बहुत स्टेटमेंट में भी क्या क्या लिखा है, हम यूज बोल रहे हैं फोर्जर क्या क्या किया, हम कुछ नहीं किया है इधर आ Before appreciating the king, into the problems of law, we must see the circumstances which was prevailed at a relevant point of time. Now, the proceeding has been wrong under section 145. But the complaint where it was made, it is clearly seen that the property is still under my continuous possession. Now, this possession will not attract physical possession. This possession will attract constructive possession. Constructive possession, in the case of constructive possession, both the parties are not physically, they are not residing in a disputed court. Both are not residing, then the complainant, the technicalities of the law could have been attracted, that is too much.
If they are complaining, if he stay here in Nahorlogo or Itanaki. The complaining is a government servant and her posting place is a long time. Since her posting place was at Gondila, how he could see the day-to-day attacks? The illegal collection, she came to know it afterwards. Since he was not here in the complaint, he had clearly written unknown. Unknown means since he was not here in the spot, her posting place was at Gondila. He could not see, he could not ascertain who is the person who collecting the rent. Now, whether the collecting of rent illegally can be treated as a possession? Suppose I am residing at Papunola. I have got also tenant and my residential house. If somebody come and collect the rent of my tenant, should we treat this, that this person is the possession? He overcome the buildings. Collection of rent, considering as owner, and collection of rent by force, by way of threatening and illegality, they do not come under the possession. Now, after making of this complaint, after police verification, the magistrate has, deputy commissioner has directed to proceed under section 145. Why under 145 is proceeded here in the court? That means there is a every possibility of breach of peace and tranquility. If I am not under possession, in such situation, the 145 proceeding will not be drawn. 145 proceeding is drawn only because there is a possibility of violation of breach of peace and tranquility. We try to ascertain who is the correct. Thereafter, mediator was sent. We personally held meeting because in a civilized society, we don't want to keep the law in their own hand. Now, whether this court will justify the person who is for keep the law in their own hand without approaching to the police, without approaching to the magistrate, court of law, he is forcefully collecting, that cannot be a bona fide position. Therefore, the use of force, collecting of for tenant, rent, illegally, can be treated as a possession. If it is to be treated as a possession, in that case, they are not in possession. They are not the enclosure police. Because the house was also constructed by me. Some of the house, three rooms I have retained, I have renovated. And till today, the buildings which I have renovated, the structure is still standing. Since the structures are standing, it is still under my possession. Now only one person is there. One person. That is Billy. The moment I took over the approach, I was requested by the wife of a company that
this family is having a son, school, college student, and due to his attempt of the exam, he should be allowed to stay in the boat. So, if I am not possess the land, how they will take permission? Now, their possession, I admit, but their possession is a permissive possession. Permissive possession means when he has taken permission from me, I allowed him that his possession is a permissive possession. That also when in that case also, I am the actual possessor of the bank dispute. Because Dini, he has possessed the land. He occupies not as on behalf of the Takabayo. Had I not been given his permission to possess the land, that means he possessed on my behalf. Now, Takabayo, you know this, his residence is an RWD colony, WRD colony, and this he is also not the resident of the plot, disputed plot. So how this court will establish that Pario is under possession of the plot and Tahar is possessing the plot? Our grievance is that collecting of rent, illegal rent. That means if such situation is this, it will be allowed. If we would go to the others rented house and then collect the rent of others, this will be example and this will be applicable to all. Then, if it is not in my possession, if I am not the owner of that land, then why several discussions and several cities, several meetings was held? It indicates that still I am in continuous possession of the plot. When I have been disposed, I have never been disposed from the possession of the plot. The illegal collection, whether illegal collection of the land by unauthorized person, can be treated as a possession. Now, for the satisfaction of this court, who has submitted the land development, land development is in my favor, and we are not disputing the owner. As far as I have already earlier, I have shown that when I have been recognized, declared, I have placed one report that as per notification of 2016, as per Collection Settlement Act, the person who is the allotted person, he will be the owner of the land. Now, there cannot be a two owner in one property. One property cannot be possessed by two persons. When the law, all that I am possessing is valid document, there is land allotment. Land allotment is the foundation. Unless there is land, there will be no building. Building was constructed upon the plot. Now, whether that issue of the passbook, land passbook, is become illegal, when this court should not contradict their own document which was issued by the competent authority. And this court should not go against the clauses and provision given in the 2018 notification in the Land Settlement Act. So while doing justice, we should not do the injustice. We should not invite the illegality. The contention of the case is very clear. Here we never mention, we never saw for
make the proceeding under section 145. This one section, section 145 certificate is established by the magistrate. Then the magistrate understood that there is possibility of breach of peace and tranquility. That's why this 145 proceeding is thrown. One way, I have been issued land passport. One way, again, I have been arrested to enjoy upon the land. That will contradict the land passport. Passport, for what purpose I have been issued? So, my contention is that, no doubt, they have submitted written instruction and entire document has been collected. 145 proceeding is a quasi civil and 145 proceeding is quasi criminal. It is a quasi division. That's why it is for only for immediate solution. Even if many of the immediate solution also, these four have seen the police report. This court have seen the document which is coming by both the parties. Now, witnesses report when there is a conflict, when there is a doubt. Now, whether the land allotment which is made to my party has even been made to the other party? When he is not having the land allotment, where is his basis to claim rent? Therefore, after verifying all the documents, there is land allotment. And monitoring the elects. Unless they purchase, they will not give us. I never said that you have not purchased. He has purchased and I have been given. I have been given. And in every action for wife and husband, authority is not required. Authority is not required. You already can see the section 111 of Indian Evidence Act. When I did 2,000, 3,000 to my wife. Whether I obtain any money, when did my wife give me money? Whether I give him any authority or any money, it is not required. Authority is not only the thing. We should see the relationship. This, all the transaction was made in a transparent manner. Had it not been done in a transparent manner, Takanyama was not supposed to bring into the notice of this court. Taking him into the Untek clearly indicated there was a transparency regarding the transaction and transparency of the land. Unless they have not consented, they have not permitted, how Marketado will know that this land was purchased by Takam Pario from Hage Saga, and Hage Saga is still possessing the land passport? It is easy to give prevaricated statement, but the chain of circumstances would never tell lie. Matyo Tato was not known that he has purchased the land from Hage Saga. To know from the version of the Pario and the Yama that the land was purchased from Hage Saga. Even
non transferring of the land papers was also informed to him for a purpose he has approved as a father. So, my advice, my suggestion, that still this matter should be solved amicably because it is involved in a political promise. Being Christian, every day is a Christmas. Even for a politician, every day is election. Such type of dispute was found in many places as possible also in other districts of the organization. It is always happened. In political agreement, there will be no return of money. But it is implemented and it is followed. It is followed only in the spirit. Today, Pario is not in power. Today, Marco Taro is not also in power. It does not mean, can we underestimate both the person's personality? One day or other day, they will come in power. They will need the help of each other. That has been irrelevant. It is irrelevant. I think one of the senior citizens, my duty is to guide the parties also. I should not mislead the vote. But there has to be settlement. And court is food is traditional temple of justice. So we never try to mislead the court. It is the submission which I have listed. It is advised to be both the parties that in such a silly matter, they should not fight each other, thinking that they should maintain their political value. And this is not the last and final, that after this I will not contest anymore in my life. In some situations, they can take up this step. This is a suicide for both the persons. Therefore, after evaluating the document of both the parties, it is found that when I am standing in this dock, it is a badge because of that I stand. I claim the land because I have got a land part. Therefore, after ascertaining, perusing all the documents placed before this court, Your Honor may pass an interim order, injunction order, restraining to the respondent not to collect the rent illegally, which is not authorized and punished in the eyes of it. If such, we must see the society, convention of the society also. Society will follow this. If the precedent is come, everyone will try to go to the house, all the tenants, and they will come.
Then they will try to throw me 145 also. Court should normally take the cognizance as per the prevailing facts and circumstances. Court can omit or edit some of the sections if it is found necessary. But since it is 145%, there is no planning of study. Had it been planning of study, we would have argued law. But since there is no planning of sergeant in 145 proceeding, proceeding has been dropped as per the report submitted to the police. Police is also not much clear about the 145 proceeding. But as per the order of the deputy commissioner, it is clearly said that it should be drawn proceeding under Article 145. As per that order, before this court has proceeding under 145 proceeding, whereas it is not the basis of the complaint made by the complaint. And the other party, they have submitted written statement. They have never, there is no ingredients, no factor of section 145%. They have not thrown 145%. And then give their allegation. They have not touched the ingredients of section 145%. And the contents of the complainant is also not drawn the 145%. It is very much clear and everybody is understood what is that content is illegal collection. Illegal collection means extortion. There is a kind of extortion. Police, instead of registering a case under section 384, 386, they have submitted their finding and report before the DC, Deputy Commissioner. And Deputy Commissioner has directed this court to draw the proceeding of 145. My submission is that the restraint order may be passed against the respondent not to collect the rent illegally till to the case is decided in the competent civil court. The fact जो ये आज का जो ये the most senior okay then okay जो आज इसमें जे किसका ये property कौन है मालिक since 2016 चार साल में कलेक्टेड रेंट कौन किया था दैट इज द प्रूफ दैट श्री तकम पारे इज द ओनर दैट फ्रॉम 2016 टू टिल नाउ वो जो है ओनर में 2016 से आज तक में ओनर है उसमें Hage Chada is also clear statement that the honor I have given to the Takam Paryo since 2006, there is no any dispute. Then Chada jab 2016 mein jab, then ek baad mein Chada hi koi beech mein
रेंट कलेक्ट किया था क्या नहीं, इसमें टोटली जीरो है कलेक्टेड नहीं किया। एवरी विटनेस इज देयर, टेनेंट इज देयर, हम बाय फोर्स किया है कि नहीं किया है। तो मालिक को चोर करके दूसरा को, जैसे कि आप बोल रहा है मिसेस का बोल रहा है, चादा कर रहा है, दब दब हाउ डुप्लीकेसी, हाउ मिसलीड, मिसलीड द ऑफिसर्स, मिसलीड द ऑफिस, मिसलीड सम अदर्स, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको क्या बोलेगा हम। जब मालिक जब ये होगा, आप ही भी बोल सकता है हाथ दिखे आपका है आप लेगा, कन्वेंस ऑन द कन्वेंस ग्राउंड में ले लेना चाहिए। इसमें बैक फोर्सफुली प्रॉपर्टी को छीनना, ये ट्रू ट्रू होना नहीं चाहिए। प्रूफ दैट 2016 से आज तक हम जब इलेक्शन बीच में था, इलेक्शन बीच में जनवरी से लेके मई महीना तक का, उसमें कलेक्शन किया था टेनेंट से, उन लोग को भी हम एक्सेप्ट किया, कलेक्ट किया था, वो हम इलेक्शन का एडवांटेज होते हुए वो हम जानने से इसमें कोई कलेक्ट ये ऑल्सो है इलीगल कलेक्शन। जब इलीगल कलेक्शन किया 2019 जनवरी से लेके 2019 मई तक का, एज ए सीनियर एडवोकेट लर्नेड एडवोकेट जो है एज 144 CRPC का रोल कानून को बता देना चाहिए क्या सिस्टम है। वो लेट इट विल बी डिसाइड ऑन लेटर ऑन ऑल्सो, जो सिविल का जो जो ओनरशिप का ये है, लेट इट गो। यहाँ हम लोग एडवाइस जैसे है, बाय फोर्स में कलेक्ट करता है तो दैट इज अनदर, हमारा टेनेंट लोग होगा, आप पूछ लीजिए विद इन योर प्रेजेंट, आप पूछ लीजिए हम जबरदस्ती किया है ना लेके, उन्हें भी चलता है हम ओनर है, हम कन्विंस होके मर्जी दादा को देता है तो हम वहाँ जाके बोलेगा मर्जी दादा आज ये आपका प्रॉपर्टी है, ये कन्विंस होना पड़ेगा। आगे बात हमको जब दिया था वो उसका जगह में लेके आज से पारे साहब का नया है, ये ओनर है, ये बात करता है। हम भी प्रॉपर्टी कोई किसी को सेल कोई किसी को दे देता है तो आज से आपका ये प्रॉपर्टी है, पीसफुल मीनार में उसको दे देता है, बाय फोर्स होके प्रॉपर्टी को ये मिसगाइडेड करके उसको आपको चीटिंग करा करके आपको उसको ट्रांसफर करके, ये ओनर बोलने से हाउ कैन दिस ये कैसे चलेगा दुनिया में, ऐसे चीटिंग बाजी ये सब को इनकरेजमेंट। आई हैव टू कंसेंसस, आई हैव टू गिव, हम तो मेरा सामान आज आपका है, आपका प्रॉपर्टी आपका मिसेज सेल कर सकता है, आप विटनेस बन सकता है, कोई किसी सेल कर सकता है, जब तक हम कंसेंसस नहीं होने से। जो प्रॉपर्टी हम बाय फोर्स कलेक्शन नहीं कर रहा है, हम ओनर कर रहा है द फोर्थ को, जब वो ये ऑर्डर दिया हम तो मालूम नहीं था उसी ला, जब ये कोन्या मैडम जब उन लोग ये बोलते समय में देन हम कोर्ट से भी ये आ गया। आने के बाद में इसमें 2000 जनवरी द केस फैक्ट जो है उसका कंप्लेंट ने 23/1/2020 में कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ ये कोर्ट में आ गया। उसका पहले 2 महीने का पहले कौन था, किसका था, कौन रहते था, मेरा आदमी वही आप लोग ये एस पर यह सबमिशन कर रहा है, वह उन बनाया वो बनाया तो आप पूछ लीजिए टेनेंट को, यालो रोनिया ने वह बनाया क्या, नहीं हम बनाया है, हमारा आदमी वह है क्या नहीं है, वह पूरा हमारा आदमी हमारा ये एक मेरा रिप्रेजेंटेटिव का वह है बना हुआ है, टॉयलेट बाथरूम का ये जो है पूरा ये है बनाया है, मेंटेनेंस करते ही जा रहा है, अभी तक तो मेंटेनेंस कर रहा है, ये हो रहा है। इसलिए ये तो टोटली ये है 2020 में पहले किसका ये 2 महीना का पहले कौन था, तो जून से लेके 2019 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर टिल अभी तक मेरा ही हम ये गाइन कर रहा है कलेक्ट कर रहा है, उनका कैसे सकते कोर्ट में टेक जज उसी के हिसाब से और एडवाइस ऐसे ही है। और ये जो ट्रांसफर इलीगल किया नहीं किया मैं भी गो टू मर्डर कोर्ट चैलेंज द दूसरा ये मेरे उसका एडवाइस सजेशन हैव टू गिव फ्रॉम द व्हाट इज कॉल्ड सीनियर मोस्ट एडवोकेट दैट वी वांट आल्सो हर्ड, हम भी सुनना चाहता है
हम भी ये कोर्ट में सुनना चाहता है क्या प्लेस कर, क्या नॉर्म से, क्या रूल कानून में कैसे जा रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इशू, ये इशू कैसे दो आदमी को भेज सकता है, वो तो उसका वो रेंट लिया था क्या, चार साल अंडर में कौन रेंट था, दैट इज अ प्रूफ दैट आई हैव टेकन द रेंट सिंस फ्रॉम 2016 टिल नाउ, यही हम रेंट ले रहे हैं, यही प्रूफ हो रहा है, दैट मींस ओनर इज पा रहे हो नॉट, आप ये कागज बना दिया मिस गाइड करके वहां में ऑफिसर को डीसी वहां में भी मिस गाइड किया, वहां यमा वहां जाके साइन किया क्या, डीसी वहां यमा तो जाके नहीं किया, पारे तो जाके नहीं किया है, हम कन्विंस होता है, आज तक हम कन्विंस होने से आगे तो हम तो देगा कन्विंस नहीं हो रहा है क्या रीजन से, क्या हिसाब से हमारा प्रॉपर्टी किस हिसाब से देगा, प्रॉपर्टी देने के लिए जगह नहीं है, बोल है इसमें यही है कि जुरिडिक्शन है 145 का जुरिडिक्शन क्या रूल है उसको सजेस्ट प्लेस करना होगा, इस पर अकॉर्डिंगली दे कैन बी डिस्पोज आफ्टर दैट व्हाटएवर यू वांट, इसका ये फादर ये क्या करना नहीं करना है वो तो है, इसलिए तो हम आज ये जो अनुभव कोर्ट को यही बोल रहा है इस पर रूल्स नॉर्म्स जो है आपका डिसीजन दे देने से अच्छा है, ताकि हम लोग हमेशा यहाँ में सिंस आई थिंक इट्स मोर देन फोर मंथ ये पेंडेमिक वजह से ये बहुत प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसमें तो आर्गूमेंट तो पूरे लास्ट टाइम में तो मस्त आर्गूमेंट तो ये उसी से जस्ट हम लोग प्लेस करना है और सुनना है, ताकि हम भी अच्छा से सुने ये सिस्टम रूल का हिसाब से, हम मैं होप है कि आपका इस बार लोग का कानून के हिसाब से आप जजमेंट दे देगा उसी हिसाब से, थैंक यू। माय लॉर्ड और एज पर अगस्त 2020 आई वाज आस्क्ड टू सबमिट दिस पेपर and this is for other party and it may be reflected in the order. My lord, in connection of this case, all relevance point in terms of the law has been argued by our senior advocate, Mukhpatin ji. Since the respondent is Rita Campario, gave a statement in front of the minor, therefore I need to stand up to present a few statements in a brief introduction. My lord, this case is related with very political angles and social angles. Political angles, as alleged by Takam Pario, as made statement made by the Shri Takam Pario, whatever allegations they made against me, against Trajano Konyaraniya, against Shri Mukimarki Oyama, who is my wife, all are false and fabricated. In all are not true at point of the relevant time. इसलिए माय लॉर्ड हम आपको ये लाइन सोल्व में समेशन करना चाहते हैं कि जो पारो साहब ने स्टेटमेंट दिया है, रिप्लाई दिया है, हमारा जो स्टेटमेंट दिया है टोटली वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, और दिस इज आफ्टर थॉट एंड कॉन्कॉक्टेड प्रिपरेशन है ये तो। इसलिए माय लॉर्ड यहाँ पे जो आज जो भी प्रॉपर्टी दिया है, जैसे मेरा एडवोकेट साहब ने बुलाया है, टोटली ट्रांसपेरेंट वे में उसका डेथ पासबुक निकल गया, उसका सेल डीड बनाया गया, उसका ट्रांसफर हुआ है, टोटली पारो का नॉलेज में था, श्रीमती टाका मेमा का नॉलेज में था, और आगे चढ़ा आगे बढ़कर टोटली नॉलेज में था। इसमें कहीं में कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉडुलेंट यहाँ में कहीं में मतलब आपका नेक्सस होके
चीटिंग होके ऐसे कुछ नहीं किया इसने, टोटली इट वॉज अंडर ट्रांसपेरेंसी, ऐसे करके डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर किया है इन द नेम ऑफ येलो कोजा रोजा ने, जैसे येलो कोजा रोजा ने बुलाया है खुद को पायो मैडम से को टू टाइम्स कन्फर्म करके एट हर रेसिडेंस में डिस्कस करके कन्फर्म करके लैंड को लिया है। नाउ हम ये बोलेगा कि फारोह साहब बैठा हुआ है, श्री मेरा नाम बैठा हुआ है, आज ये कोर्ट है, कोर्ट में एग्जाम्पल बनता है भी नहीं बनता भी, ये हम बोलेगा सच्चाई को बोलने से अच्छा है। हम लोगों का पॉलिटिकल ग्रेवेंसेस को किसी एलोशन का ऊपर में यानो को हो जाए पाकिस्तान है आगे चला ने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया है वो भी एनोशन था, और दोनों का ऊपर में आप उसको कोर्ट कचहरी करके उसका ऊपर में प्रॉब्लम नहीं डालने से अच्छा है। ये मेरा एक माइनोरिटी एपील है, और फैक्ट सरकमस्टेंसेस तो ये है कि हरेशा जी आज जो स्टेटमेंट दिया है, हम ये बोलेगा कि अगर आपने टाइम सिचुएशन का साथ में एक समन दिया है या एक कमिटमेंट किया है उसको अगर बाद में वापस लेता है सोसाइटी चलेगा कैसे और हमारा समाज चलेगा कैसे। उस समय में आप प्रॉपर्टी को दिया है सेल करके इलेक्शन में खर्चा करने के लिए, सेल किया इलेक्शन में खर्चा हो गया, आज आप उसको नहीं देगा बोले सर, देखिए इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी इफ सच थिंग एग्जिस्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। ये किसी का इंडिविजुअल ऊपर में बहुत सा हानिकारक होगा और बहुत सा एग्जाम्पल बनेगा। वो टाइम एंड सिचुएशन समय समय का साथ में चेंज होता है, चेंज का साथ में इफ वी बिहेव, हम एक्ट करते हैं बिहेव करते हैं और डिसीजन चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम, तो समाज कैसे चलेगा और ये कोर्ट ऑफ लॉ और यह हमारा डेमोक्रेसी कंट्री में चलेगा कैसे। हमने दो साल पहले या एक साल में जो डिसीजन दिया है डिसीजन ही डिसीजन, गिफ्ट इज गिफ्ट, एंड जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ तो उसको आज हम दो साल का बाद में एक साल का बाद हम बोलेगा नहीं हम उसको किया था उसको बाकू देगा बोलने से तो सोसाइटी चलेगा कैसे। माय लॉर्ड दिस इज द केस ओनली पायरो का सिर्फ पुलिस है, ये पुलिस ग्रेवेंसेस है, ये ग्रेवेंसेस को पुलिस के ग्रेवेंसेस तो इंडिविजुअल होता है, किसी का एनोशन ऊपर में उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहता है, दिस इज करंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है माय लॉर्ड अभी ऑनरशिप का पोजीशन का पायरो साहब एज आर गुड माय सीनियर रैंक ओके प्रमुख पार्टी जी, अब पोजीशन का बात करने से टुडे आप ये बोला कि 2016 से लेकर 19 तक अभी तक हमने बिल्डिंग लैंड प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरा है, आप ये बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द वन मनी रिसीव्ड व्हिच वाज गिवन बाय द हागे चादर अमाउंटिंग टू रुपीज 1 crore 50 lakhs, उसी बेस में तो आप क्लेम कर रहे हैं। नाउ आवर पॉइंट इज दैट आपका लैंड को आपने रेंट ले रहा था उस समय में आगे चादर का नाम में था मनी रिसीव 1 crore 50 का था, टिल देन ओके आप अनऑफिशियली लैंड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर आपका नाम में नहीं होने से भी आप रेंट दिया है, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एज अ होल, वो एक्सेप्टेड। बट व्हेन दैट लैंड डॉक्यूमेंट हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर फ्रॉम हागे चादर टू श्रीमती यालो कोजा रोजा इन फेब्रुआरी 2019 टिल देन योर मनी रिसीव इज इनवैलिड, टिल देन योर ओनरशिप इज इनवैलिड। ये सब चलते हैं समाज चलता है सोसाइटी चलता है और हम जानते हैं और माय लॉर्ड भी जानता है, तो अब ट्रांसफर होने का बाद में ओनरशिप इज हेलो कोजर हो गया ऑफिशियली, लेन एलोमेंट पार्ट उसका हो गया तो जो ड्रॉइंग उसका हो गया, इसका बाद में रिवेन्यू उसने पेमेंट किया एवरीथिंग उसका हो गया, तो एडवोकेट आपको किया है आपका डेट आपका इनवैलिड होता है। तब इनवैलिड होने का बाद में अब गया हो कोजर एज लीगल ऑनरशिप जनवरी से लेकर जून तक रिवेन्यू कलेक्ट किया है, 6 months कलेक्ट किया है, तो रिवेन्यू कलेक्ट वो वैलिड है। अगर इमीडिएटली आप कहीं में प्रॉब हुआ है फॉर्जरी हुआ है
कहीं में चीटिंग हुआ है, कंस्पिरेसी हुआ है, तो इमीडिएटली फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, तो आप इमीडिएटली एफआईआर लॉज कंडक्ट कर, एक क्रिमिनल केस खुद भी इनिशिएटेड अगेंस्ट श्रीमती वर्कवेम, अगेंस्ट मी, अगेंस्ट जो लोग पहुंचा, अगेंस्ट आगे चाह रहा, दिस इज ओनली आफ्टर माई लॉट, आफ्टर थ्रोट क्रिएट क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए जो ऑनरशिप का बोला है, तो माई लॉट हम ये बोलेगा कि ऑनरशिप बोलने से, तो जब पियालो पहुंचा हो जाए डॉक्यूमेंट लीगली, जब उसका हाथ में जो आ गया, रेंट भी कंटिन्यू ले रहा था, तो ऑनरशिप उसका क्लियर होता है, पोसेशन उसका क्लियर होता है, आपका जो इंक्रोचमेंट हुआ है लीगली इलीगली रेंट कलेक्ट किया है तार तरह ने टेटनिंग वार्निंग करके, ये इसी का जो फावर अप्लाई करके प्रोलोंग में करा डाली का फावर अप्लाई करके, ताकि इनको डोमिनेट करके, ये मतलब रेंट को जबरदस्ती कार्य किया है, ऐसे 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 बोल के मतलब आज जो केस प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो है जब इलीगली जब रेंट कलेक्ट कर रहा है, क्या है, तो काफी रिक्वेस्ट किया है यार कोयला मेरा हो जाएगा कि ऐसे नहीं करना है, इलीगली कलेक्ट करके आपने कुछ पैसा उठा है, उसका बेस में आप ओनरशिप पोजेशन क्लेम करते हैं, दैट इज टोटली माय नॉट रॉन्ग एज आफ्टर बाय माय एडवोकेट। आज अगर प्रिवेलिंग इस सोसाइटी में अगर ऐसा होता है कि हर कैपिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट में सब लोग फोर्सफुली गुंडाबाजी लगा करके टेटली वार्निंग के, किसी का रेंट बैठने वाला वजन में बैठने वाला, किसी का रेसिडेंशियल रेंट बैठने वाला को टेटली वार्निंग के फी कलेक्ट करेगा, दो महीने का, तीन महीने का कलेक्ट करके कोर्ट में फाइल करेगा, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग विथ दिस प्रूफ ऑफ दिस रेंटेड कलेक्शन, बोलेगा टू तो चलेगा क्या, समाज में नहीं चलेगा, वो इन द कोर्ट ऑफ आईज लो ये नहीं चलेगा, हमारा देश में, हमारा ये राज्य में नहीं चलेगा। माय लॉर्ड, अगर ऐसे अगर आप प्रेयर करता है द रेस्पोंडेंट एडवोकेट एंड माय फ्रेंड श्री तकाम पारो, अगर ऐसे प्रेयर करता है, ऐसे रिलीफ मांगता है, दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसे नहीं होना है। तो इसमें केस टू क्लियर कट है इसका, जो मतलब कानून के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट जानो को जाए का पास है, ट्रांसपेरेंसी करके सब आपका लीगली जो रिपोर्ट किया लिया है, तो वही मालिक है, आप जो मालिक क्लेम करो, दैट इज ओनली ग्रीवेंसेस, और ग्रीवेंसेस को टू दैट कैन बी रीड्रेस एज सजेस्टेड बाय द सीनियर एडवोकेट, देयर आर लॉट ऑफ वे टू रीड्रेस। तो हम लोग काफी डिस्कशन भी करके देखा है सोशल कोर्ट में, टू थ्री टाइम तो हम लोग तो बात भी किया है, तो उस एग्रीमेंट ड्रॉ नहीं हो पाया, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन आज आप इस कोर्ट में और आज समाज के सामने में माई लॉर्ड, तो ठाके चुका ये लोग कोजर हो गया, जो लीगली ट्रांसपेरेंसी करके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया है, ऑप्ट किया है, उसको क्यों पनिशमेंट है, इनोसेंट देना है, दिस एग्जेम्पलरी शुड नॉट बी देयर इन फ्यूचर इन द सोसाइटी ऑल्सो, दिस इज माई पर्सनल अपील एंड रिक्वेस्ट है। इसलिए जहाँ भी हो उसको अच्छा सोल्यूशन के लिए अच्छा जजमेंट देने से अच्छा है रेस्टेंडिंग ऑर्डर देना है, और फादर साहब आप रेस्टेंडिंग ऑर्डर को अब चैलेंज करते हैं, तो वो बाद में देखा जाएगा, और हम दोनों हम चार हो गया अभी, तो ऐसे कोर्ट में कचरी करके अपना इंडिविजुअल को पाए करके किसी का इनोवेशन ऊपर में नहीं करना से अच्छा है। देन माय लॉर्ड का हम ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, रिप्लाई टू दे दिया, ट्रांसपेरेंसी में सब कुछ किया है, जो ऑपोजिशन क्लेम कर रहा है 100% रॉन्ग है, कंट्रीब्यूशन पोजिशन टू ज्यादा बाजार हो जाता है, उससे कुछ आप जस्टिस देना है उनको। Get the protections from the court of law. One clarification to Lanet Senior Advocate. One example has been given by Senior Lanet Advocate as well as Honorable Ex
एज स्टेटमेंट जी, यहाँ पे जो एक सरकमस्टेंसेस आप लोग जो बोल रहे हैं, जो सरकमस्टेंसेस एक केस होता है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी किसी का रेंट को जबरदस्ती रेंट कलेक्ट करके कल 145 सीआरपीसी जो दो महीना का बात करता है उसको ऐसे पोजिशनल राइट क्लेम करने का सिस्टम हो सकता है, बोल के इंकरेजमेंट हो सकता है, बोल के बोल रहे हैं। लेकिन इस केस में हागे चादा ने एडमिट कर रहा है कि तकम पारियों को ये प्रॉपर्टी को हमने दे दिया है, वो पर्सनली फिजिकली जाके हैंड ओवर किया है, और 2016 से लेके जनवरी 2019 तक तकम पारियों ने वो प्रॉपर्टी को उसका पोजीशन में रखा और कलेक्शन रेंट करना वो पूरा किया है। इन बिटवीन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड तकम तारी पारियो यही बोल रहा है कि ही वॉज बिजी, तो उस पीरियड में उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन एज एंड व्हेन जब उनको मालूम हो गया, फिर वो अपना से फिर जुलाई से 19 से लेके 3 दिन तक कलेक्ट कर रहे बोल रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल अब अलग अलग है, एक है जो 4 साल से कंटिन्यूस कलेक्ट करके और आगे चादा ने उनको प्रॉपर्टी को दिया बोला, तो उसका बाद बीच में आप लोगों ने कलेक्ट किया, फिर इन लोगों ने फिर कलेक्ट किया, तो ये एक हो गया। एक है जिसको कोई खरीदा नहीं, बेचा नहीं है, मालिक भी नहीं हुआ और 3-4 साल से कलेक्ट नहीं किया, अचानक से किसी का घर को रेंट लेता है, वो क्या जबरदस्ती करेगा, वो एग्जाम्पल आपको दे रहा है। आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस टू एग्जाम्पल, इफ सीनियर एडवोकेट कैन क्लैरिफाई ऑन दिस टू एग्जाम्पल्स, वो एक हो गया। दूसरा है रेस्टोरेंट, अभी तो उनको जिस दिन से ये केस आया है आज उस दिन से कब से है ये स्टेटस को रेस्टोरेंट करके रखा हुआ है, कलेक्टिंग रेंट रेस्टोरेंट तो देखे अभी भी रखा हुआ है, अभी शायद 4-5 महीने हो गया, कितना 3 महीना हो गया, तो रेस्टोरेंट करके रखा हुआ है अभी भी। तो अभी हम यहाँ सरकमस्टेंसेस का बात जो बोल रहे हैं, जानना चाहूंगा कम ये मत रहा है, ये थोड़ा क्या सरकमस्टेंसेस था उसके बारे में, क्योंकि आपका केस जो है सरकमस्टेंसेस में लेके जा रहा है। कम ये इधर आई, तो अभी आप सुना है ना उन लोग का बात को, वो लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन को आपने साइन करके ये रोहिणी मैडम को आपने दिया है बोला है, तो आप बताओ कि आपने तकम पारियों से पूछ के और आपने जो कागज है नॉर्मली वहाँ में होता है जहाँ डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन बोलता है, जब कोर्ट की कागज साइन करता है ना रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ में आपने जाके साइन किया है नहीं है, क्या आप इसके बारे में आप क्या जानता है बताओ। सर हम समझने वो मेरा वो दोनों आया था, हम तो कोई वो साइन करने समय में अभी सतारो साहब बोल रहे मैडम नोबर आया मेरा नहीं जा सर एक बार घर में साइन किया इससे इससे और नहीं आया, हम तो कोर्ट भी आते नहीं दिखाए पर्स टाइम में इसलिए हो गया सर हो गया। अभी वो लोग इसे हमको लगाते हैं वो लोग हमको उल्टा ही मिस यूज किया है।